Hello friends, welcome to the web lecture series of Anisur Rahman. Today I am going to talk on the topic branding. What branding is and how it works. The marketing practice of creating a name, symbol or design that identifies and differentiates a product in particular and the company in general from others. This is the definition of brand. मतलब किसी भी कंपनी का एक पार्टिकुलर ऐसा सिंबल बनाना जो उसकी आइडेंटिटी बन जाए, एक ऐसा टैगलाइन बनाना, अपने आप को दूसरों से अलग एक पहचान देने को ही ब्रांडिंग कहा जाता है. सो ब्रांडिंग इज अ मार्केटिंग प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग अ नेम, सिंबल और डिजाइन दैट आइडेंटिफाइज एंड डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर कंपटीटर्स अवेलेबल इन द मार्केट. So, जैसे हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स अगर हम देखें जो एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, लाइक टूथपेस्ट में कॉलगेट. अब जब कॉलगेट टूथपेस्ट के मार्केट में अवेलेबल है तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब उन्हें टूथपेस्ट की जरूरत होती है तो वो दुकानदार को जाके बोलते हैं कॉलगेट दे दो हमें, और दुकानदार उन्हें कोई भी एक टूथपेस्ट उठा करके दे देता है और कस्टमर वहां से चला जाता है. दिस इज द वेरी स्ट्रांग ब्रांडिंग के उस चीज को, जो इस्तेमाल की चीज है उसे उसी ब्रांड के नाम से जाना जाने लगे तो उसे ब्रांडिंग कहते हैं. अब इसमें डिफरेंशिएट करने वाली बात जब आती है तो देखिए कि बहुत सारे जो टूथपेस्ट मार्केट में अवेलेबल है वो अपना एक अलग यूएसपी बता करके अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं. जैसे सेंसोडाइन सेंसिटिविटी के लिए अपने आप को एस्टैब्लिश किया, क्लोजअप ने माउथ फ्रेशनेस के लिए अपने आप को एस्टैब्लिश किया, और कॉलगेट का मेन एम स्ट्रॉन्ग टीथ पे रहता है. तो इस तरह से इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में, इतने बड़े मार्केट में अपने आप को अलग एस्टैब्लिश करना ही ब्रांडिंग है. सो एन इफेक्टिव ब्रांड स्ट्रेटजी गिव्स मेजर एज इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट. दूसरों के ऊपर प्रायोरिटी मिल जाना, एडवांटेज मिलना, तो ये इफेक्टिव ब्रांड स्ट्रेटजी है. अ ब्रांड इज अ प्रॉमिस टू द कस्टमर विच नेवर बी ब्रीच्ड. देन अ ब्रांड इज एन एस्टैब्लिश्ड एंड फैमिलियर नेम. पीपल गिव एग्जांपल ऑफ विच. अब कई बार हमने देखा है कि एक सस्ता प्रोडक्ट मार्केट में है, दूसरा जो एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है उसका प्रोडक्ट महंगा है, लेकिन जब फिर खरीदने की बात आती है, हाइजीन की बात आती है, फिर उसके बाद उसके ऊपर फेथ की जब बात आती है, विश्वास की जब बात आती है, तो फिर लोग पैसे को छोड़ के ब्रांड की तरफ भागते हैं. जो एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है, वेल नोन है, हो सकता है कि जो सस्ता है या फिर दूसरा प्रोडक्ट है जिसका नाम लोग नहीं जानते हैं वो एस्टैब्लिश्ड ब्रांड से अच्छा हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, लेकिन लोगों का भरोसा उस पर नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है. सो ब्रांड इज अ प्रॉमिस टू कस्टमर. अब जैसे च्यवनप्राश बहुत सारा ब्रांड बनाता है, बहुत सारी कंपनीज बनाती है च्यवनप्राश, लेकिन लोगों का भरोसा डाबर च्यवनप्राश के ऊपर हो गया है, इसलिए इसका सबसे बड़ा मार्केट है च्यवनप्राश में. दूसरा सस्ता ऑप्शन अवेलेबल है लेकिन लोग उसकी तरफ नहीं जाते हैं. अब अ ब्रांड एक्चुअली सेज दैट हु यू आर. मतलब जो ये कंपनी की तरफ से है कि एक कंपनी के लिए ब्रांड क्या कहता है. ब्रांड सेज हु यू आर, हु यू वांट टू बी एंड हु पीपल यू perceived to be. तो
ब्रांड कंपनी को डिफाइन करता है कि वो क्या है, आगे चल के क्या होना चाहता है और उसका परसेप्शन क्या रहना चाहिए मार्केट में. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ब्रांड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, इनोवेटिव एंड मैवरिक वर्सेस एक्सपीरियंस एंड रिलायबल. ये दो अलग कैटेगरी हो गई, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कभी नहीं करेगी. जो इनोवेटिव और मैवरिक है वो एस्टैब्लिश्ड ब्रांड से उसका कंपटीशन उस तरह से नहीं है कि मैं इनोवेटिव भी हूं और मैं एक्सपीरियंस्ड भी हूं, मैं रिलायबल भी हूं. मतलब दोनों में अब ऐसा नहीं है कि जो एस्टैब्लिश्ड है उसने अपना R&D डिपार्टमेंट बंद कर दिया, वो इनोवेशन नहीं ला रहे हैं. लेकिन जो नए कंपनी नई कंपनी आती है वो इस USP के साथ आती है कि वी आर इनोवेटिव, जबकि दूसरा जो एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है वो अपना एक्सपीरियंस शो करता है. हमेशा आपने देखा होगा कि जो एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है उसका जब एड आता है तो लास्ट में दिखा देते हैं सिंस 1927, सिंस 1947, सिंस 1860. तो ये जो एक्सपीरियंस लास्ट में दिखाने वाली बात है कि कब वो एस्टैब्लिश हुआ, वो इसलिए करते हैं ताकि लोगों का भरोसा रहे कि इस कंपनी को 80 साल हो गए, 80 साल में ये कंपनी कहीं नहीं गई और मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है. इसका मतलब है कि इसके प्रोडक्ट में कुछ दम है, इसमें कुछ बात है. तो ये एक बात हो गई. फिर दूसरी चीज जो आती है वो हाई कॉस्ट एंड हाई क्वालिटी वर्सेस लो कॉस्ट एंड हाई वैल्यू. हम अक्सर देखते हैं कि जो एक लोअर मिडिल क्लास जब किसी दुकान में जाता है, नॉर्मली जिसपे MRP की बात हम छोड़ दें, ऐसे जो लूजर कपड़े देखने के लिए जाते हैं तो दुकानदार पूछता है कि आपको कैसे कपड़े चाहिए, वो कहता है सस्ते में बढ़िया दिखा दीजिए. और जब एक हाई क्लास आदमी जाता है देन ही ऑलवेज लुक फॉर हाई क्वालिटी हाई कॉस्ट, वेयर एज अ लोअर मिडिल क्लास गोज टू अ शॉप एंड आस्क फॉर लो कॉस्ट एंड हाई वैल्यू. वन कैन नॉट बी बोथ. लो कॉस्ट हाई क्वालिटी इज अ मिथ, ये कभी पॉसिबल नहीं है. दोनों चीजों का अमलगमेशन पॉसिबल नहीं है. जैसे नैनो ने जब टाटा ने नैनो के बारे में मार्केट में न्यूज दिया कि टाटा आर लॉन्चिंग कार ऑफ ₹1 लाख, लोगों के जहन में एक हाई क्वालिटी आ गई कि कार है तो ऐसा होना चाहिए, कार है तो वैसा होना चाहिए, कार है तो ये साइज होना चाहिए, उसका लुक एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए. लेकिन जब कार लॉन्च हुआ तो लोगों का वो भ्रम टूट गया और जिसकी वजह से टाटा नैनो फेल्योर रहा है. और दिस टाटा नैनो सेगमेंट इज ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजर. तो हाई कॉस्ट हाई वैल्यू इज एक्सपेक्टेड, हाई कॉस्ट हाई क्वालिटी इज एक्सपेक्टेड, बट लो कॉस्ट विल गिव यू हाई वैल्यू बट नॉट द हाई क्वालिटी. अब हम आगे बढ़ते हैं कि फाउंडेशन ऑफ अ ब्रांड इज लोगो. किसी भी एस्टैब्लिश्ड ब्रांड को उसके लोगो से पहचाना जाता है और ब्रांडिंग इसी को कहते हैं कि जब कोई एक लोगो आपके सामने आए तो उस कंपनी का नाम और उसका टैगलाइन, उसका क्या प्रोडक्ट है वो आपके जहन में आ जाना चाहिए. तो जब ये चीजें आपके जहन में आ जाती है एक लोगो को देख करके, इसका मतलब है दैट कंपनी इज वेरी गुड इन मार्केटिंग एंड दे हैव एस्टैब्लिश्ड देयर ब्रांड इन द मार्केट, इन द कंपटीटिव मार्केट. सो लोगो एंड वेबसाइट आर
very important thing. Logo plays an important role in identification of status. If people able to find, recall the company's name and product by seeing its logo, means brand has established itself. So the website of the company, packaging, promotion materials, all should communicate the brand by way of its logo. अब हम कई बार देखते हैं कि एक कंपनी का सेल्स रिप्रेजेंटेटिव टी-शर्ट, स्पेसिफिक टी-शर्ट पहन के आता है, उसमें कहीं कंपनी का नाम नहीं लिखा, एक जगह यहाँ लोगो बना हुआ है. अब सिर्फ उस लोगो से हम पहचान जाते हैं कि ये कौन सी कंपनी का एग्जीक्यूटिव है, कौन सी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है. अब हम बात करते हैं ब्रांडिंग स्ट्रेटजी की. ब्रांडिंग स्ट्रेटजी के कई स्टेप हैं और वो इस तरह है कि गेटिंग अ ग्रेट लोगो एंड प्लेसिंग इट एवरीवेयर. गेटिंग अ ग्रेट लोगो इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड टू मेक पीपल फैमिलियर अबाउट द लोगो इट इज इंपॉर्टेंट टू प्लेस इट एवरीवेयर ऑन एवरी थिंग रिलेटेड टू द कंपनी इट मस्ट बी देयर एंड राइटिंग डाउन अ टैग लाइन और द मैसेज ऑफ द कंपनी. जैसे एक यू टिक लगा रहता है करेक्ट टिक, उसे देखते ही लोगों के जहन में आता है दिस इज नाइकी एंड व्हाट इट सेज जस्ट डू इट. तो इसी तरह से जब हम LIC का लोगो देखते हैं, उसके साथ लिखा रहता है जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, तो एक टैग लाइन उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कंपनी का मैसेज कन्वे करता है कि वो क्या है और उसका एम क्या है, या फिर वो किस कंफर्ट के लिए या किस तरह की सर्विस देने के लिए मार्केट में अवेलेबल है. नाउ इंटीग्रेटिंग ब्रांड, हाउ अ ब्रांड कैन बी इंटीग्रेटेड. तो इसके लिए है कि उसके लिए जो उसके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, जो डायरेक्ट कस्टमर के कांटेक्ट में है, उनका एक स्पेसिफिक ड्रेस होना चाहिए. जब कोई बात कर रहा हो तो उसका एक स्पेसिफिक वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द कंपनी होना चाहिए. जैसे हम किसी भी होटल में चले जाते हैं, वहां पर जब हम रिसेप्शन पे पहुंचते हैं तो अलग ड्रेस दिखता है, उसमें कंपनी का लोगो उसकी शर्ट पे होता है, एक बैज होता है, एक नाम होता है उस बंदे का कि कौन है ये. तो हमें ज्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है. कई बार जैसे हम मॉल्स में घूमते हैं या फिर किसी ऐसे ही जनरल स्टोर में चले जाएं, तो वहां पर नॉर्मली कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि आपके साथ भी शायद ऐसा हुआ हो कि किसी आदमी ने आपसे पूछा हो कि ये सामान कितने का है या फिर इस तरह का प्रोडक्ट कौन से सेक्शन में रखा हुआ है, किधर मिलेगा. तो ये चीजें जो होती है, जो कंफ्यूजन क्रिएट करती है, जब ब्रांड को इंटीग्रेट किया जाता है तो इस तरह के कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं. नाउ क्रिएटिंग वॉइस फॉर द कंपनी, एक इस तरह की आवाज, मतलब एक स्पेसिफिक पैटर्न का वॉइस कंपनी के लिए रजिस्टर करना कि उस तरह की वॉइस को सुनते ही लगे कि हाँ ये उस कंपनी का है, या स्पेसिफिक म्यूजिक, स्पेसिफिक चीजें जो ब्रांड इंटीग्रेटिंग ब्रांड से भी रिलेटेड है, वो चीजें लेकर के आना ब्रांडिंग का पार्ट है. नाउ मेंटेनिंग द ब्रांड स्टैंडर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम देखें कि मेंटेनिंग द ब्रांड स्टैंडर्ड क्या होता है. ब्रांड स्टैंडर्ड ये आता है कि अगर कोई चीज तैयार की गई है तो वो ये शो करे कि किस क्लास का ये ब्रांड है. जैसे अगर हम मान लेते हैं प्रमोशन मटेरियल्स है, बुकलेट छापा गया, ताज होटल का बुकलेट आप देखेंगे और किसी एक नॉर्मल गेस्ट हाउस का बुकलेट देखेंगे, दोनों के प्रिंटिंग में, पेपर क्वालिटी में, वे ऑफ प्रेजेंटेशन में बहुत फर्क दिखेगा. दिस इज कॉल्ड मेंटेनिंग द ब्रांड स्टैंडर्ड. दिस इज इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन. अब उसको अवेयर करते टाइम में भी आपको उसकी क्वालिटी जो ब्रांड ने प्रॉमिस किया है वो एक नेक्स्ट स्टेप है, बीइंग ट्रू टू द प्रोडक्ट और बीइंग ट्रू टू द कस्टमर, मतलब कीपिंग
कीपिंग द प्रॉमिस ऑफ द ब्रांड। अगर फाइव स्टार होटल कोई कह रहा है तो वहां पर फाइव स्टार लग्जरी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ कैटेगराइजेशन के टाइम पे उन्होंने फैसिलिटी रखी और बाद में जब उसे फाइव स्टार का स्टैंडर्ड मिल गया और उसके बाद उसने सारी चीजें वहां से हटा दी। इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए। दैट इज द कीपिंग प्रॉमिस और मेंटेनिंग द ब्रांड स्टैंडर्ड। अब ब्रांड स्टैंडर्ड में ये भी चीज आती है कि कहां पर आप अपना प्रमोशनल मटेरियल यूज करेंगे, कहां बिलबोर्ड लगाना है, कौन आपका टारगेट कस्टमर है, वहां पर किस तरह के रिप्रेजेंटेटिव को भेजना है। अब मेंटेनिंग द ब्रांड स्टैंडर्ड, जब हम सेल्स एंड मार्केटिंग की बात कर रहे हैं उसमें देखेंगे तो हर कंपनी अपने रिप्रेजेंटेटिव को ड्रेस प्रोवाइड करती है। ऐसा नहीं है कि उससे कहती है कि यू हैव टू स्टिच योर ड्रेस योर सेल्फ। ऐसा इसलिए होता है कि जिस क्वालिटी का कपड़ा उसे वो पहनाना है रिप्रेजेंट करने के लिए कंपनी को, हो सकता है कि जो एम्प्लॉय हमने रखा है फिर उस कंपनी ने रखा है वो उस तरह के कपड़े को अफोर्ड नहीं कर सके, इसलिए ड्रेस प्रोवाइड किया जाता है आमतौर पे। सॉरी। देन बीइंग कंसिस्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रांडिंग। इफ कंसिस्टेंसी इज नॉट देयर पीपल विल थिंक दैट कंपनी हैज लॉस्ट फेथ इन द पीपल एंड दे आर नॉट एग्जिस्टिंग इन द मार्केट। इसलिए हम बहुत सारी कंपनीज ऐसे ही देखते हैं कि जो लगता है कि इतना अच्छा सेल कर रही है, इतना अच्छा मार्केट में अवेलेबल है, उसके बावजूद भी ये इतना एग्रेसिव प्रमोशन क्यों कर रही है। सो इट इज फॉर बीइंग कंसिस्टेंट टू बी इन द माइंड ऑफ एवरीवन। सो कंसिस्टेंट स्ट्रेटजिक ब्रांडिंग लीड्स टू ए स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी। अब कंसिस्टेंसी ब्रांड इक्विटी में इंक्रीज करता है, मतलब उसे ये अधिकार देता है कि जो उसका कस्टमर वैल्यू बढ़ जाता है तो कि अपने कंपटीटर्स से वो अपनी चीजों का थोड़ा दाम ज्यादा भी रख सकता है। जैसे सेम तरह के प्रोडक्ट का हम देखते हैं, किसी का दाम 50 रुपीज है, किसी का 60 रुपीज है, किसी का 500 है, तो उसके कंपटीटर का दाम 600 है। दे आर मेकिंग प्रॉफिट ऑन द बिहाफ ऑफ देयर स्ट्रेटजिक ब्रांडिंग, व्हाट दे हैव मेड द स्ट्रांग ब्रांड इक्विटी। सो दिस इज ऑल फॉर ब्रांडिंग। आई थिंक दिस वॉज अ गुड वीडियो, यू मस्ट हैव लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अनीसुर रहमान्स वीडियो। If you liked my presentation, my lecture, then please subscribe my channel. Thank you very much for watching.